इंडियन ओडीआई टीम का स्क्वाड फुल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो बीसीसीआई ने तो अनाउंसमेंट अभी कर दिया है, तो आप लोग अभी तक मुझे लगता है कि जान भी गए होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए कि इंडियन टीम में टोटल 18 जनों का स्क्वाड घोषणा किया गया है। और वो स्क्वाड जो 3 ओडीआई मैचेस खेला जाने वाला है, 26 और 28 मार्च को होने वाला है, वो मैच के लिए, मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच होने वाला है उस मैच के लिए ये टोटल 18 जनों का स्क्वाड घोषणा किया गया है। तो आप लोगों को अभी जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्लेयर्स को नया इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा प्लेयर्स बाहर चला गया है या कौन कौन सा प्लेयर्स इंजर्ड है, इसी मतलब इसी की वजह से नहीं आया है, इस टीम में शामिल नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग ना लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है लाइक और कमेंट जब मिलता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडियन टीम में कौन कौन सा प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है, तो आप लोग जानना चाहिए कि मनीष पांडे, नवदीप सैनी और मयंक अग्रवाल को इस स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, और ये 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो उनको अभी चांस नहीं मिला है। और उसके बाद अगर बोला जाए कि कौन कौन सा प्लेयर्स को, मतलब वैल्यूएबल खिलाड़ी है वो सब जो कि इंजरी के कारण इस टीम में शामिल नहीं हो पाया है, वो है मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो इन कुल 3 खिलाड़ी को मतलब इंजरी के कारण इस श्रृंखला में चांस नहीं मिला है, लेकिन वो आईपीएल तो खेलने वाला है, वहां से ही मतलब फिर से कमबैक करेगा इंडियन टीम में, कोई दोहरा नहीं उसके बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन टीम में कौन कौन सा प्लेयर्स को स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो सबसे पहले अगर बताया जाए कि नया प्लेयर कौन कौन सा इस टीम में आया है, तो सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्ण, तो इन 3 खिलाड़ी को नया चांस दिया गया है इंडियन टीम में ओडीआई के स्क्वाड में। और उसके बाद अगर हम टोटल स्क्वाड की बात करें, तो टोटल स्क्वाड में अगर सबसे पहले हम बैट्समैन की लिस्ट के बारे में बात करें, तो इस बुक में मैं सब नोट कर लिया हूँ, तो जो जो नाम मतलब इस स्क्वाड में है उनका नाम है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, शुभमन गिल, तो शुभमन गिल को भी चांस दिया गया है, मतलब टेस्ट के बाद अभी ओडीआई टीम में शुभमन गिल को चांस दिया गया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर जो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव को मतलब बहुत ही एक वैल्यूएबल प्लेयर को इस टीम में शामिल किया गया है, और इस प्लेयर का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, तो इनको अगर काम में लगाया जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चांस नहीं मिल सकता है स्क्वाड में, क्योंकि स्क्वाड पहले से ही फैक्टर है। उसके बाद 7 नंबर पर केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन की तरह से लिया गया है, और ऋषभ पंत को भी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन से मतलब बैट्समैन की तरफ से लिया गया है। तो इस टीम में सूर्य कुमार यादव तो मतलब स्क्वाड में है, लेकिन चांस मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑलराउंडर्स के लिस्ट में कौन कौन सा प्लेयर्स आता है, तो ऑलराउंडर्स के लिस्ट में नाम है हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, दो ब्रदर्स पांड्या ब्रदर्स खेलने वाला है, लेकिन कुणाल पांड्या का क्या चांस मिल सकता है उसके लिए मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और वाशिंगटन सुंदर को भी लिया गया है, तो इन 3 खिलाड़ी ऑलराउंडर्स के लिस्ट में आता है। तो उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें, तो बॉलर्स के लिस्ट में नाम है, मतलब स्पिनर्स की अगर बात करें, तो स्पिनर्स के लिस्ट में नाम है युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, तो कुलदीप यादव को भी इस टीम में लिया गया है, और कुलदीप को अगर मैच खिलाया जाता है तो बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि कुलदीप के साथ बहुत ही बुरा हुआ है मुझे तो लगता है, तो वो एक अलग से वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट बॉलर्स की लिस्ट की अगर बात करें, तो फर्स्ट बॉलर के लिस्ट में आया है 3 नटराजन, जो कि इंजरी से वापस मतलब कमबैक कर लिया है मुझे तो लगता है, और वो खेलने भी वाला है ओडीआई के मैचेस में। उसके बाद है भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और लास्टली शार्दुल ठाकुर, तो कुल 5 फर्स्ट बॉलर्स को लिया गया है इस स्क्वाड में। तो आप जानती है कि कोविड परिस्थिति बहुत ही खराब है पुणे में, लेकिन फिर भी बाय बबल के अंदर ही मैच को कराया जा सकता है, तो उनमें मतलब कोई भी रिपोर्ट नहीं आया कि चिवेन को क्या चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकते, तो उसके कोई भी मतलब बात नहीं है। और ये मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाला है, तो मतलब मैच तो बड़ा बड़ी का होने वाला है, मतलब बहुत ही बढ़िया जो टीम है इंग्लैंड का भी, और इंग्लैंड तो मतलब एक अलग ब्रांड का क्रिकेट खेलता है, मतलब वो 50 ओवर में 400 भी कर देगा तो कोई मतलब हम संकोच नहीं कर सकते कि 400 कर दिया, बहुत ही बढ़िया टीम है इंग्लैंड का। तो ये हमारा इंडियन टीम भी कुछ कम नहीं है, तो इंडियन टीम भी दम रखता है इंग्लैंड को हराने का। लेकिन और एक बात जो मैं बताना पहले ही भूल गया कि जो ये मैच 3 मैच होने वाला है, ये दोपहर के 2:30 बजे से खेला जाने वाला है, तो जरूर से स्टार के चैनल के सामने बैठ जाइएगा और ये मैच का लुत्फ उठाएगा, बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए, और अगर ऐसी वीडियो और मेरे लिए चाहते हैं तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट और लाइक प्लीज एक तो कर दीजिए, कमेंट और लाइक। तो आज के लिए बाय बाय।